से ताल्लुक रखने वाले लोग भी शामिल हैं और जमात इस्लामी के जिम्मेदार की हैसियत से मैं भी यहाँ पर शरीक हूँ। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों को वापस किया जाए और उसके अंदर जो इजाफा है उसको फिलफौर वापस किया जाए, और अगर उन्होंने इस इजाफे को फिलफौर वापस नहीं लिया तो ना सिर्फ हम रेलवे स्टेशन का घेराव करेंगे बल्कि एक्सीएन ऑफिस का भी घेराव करेंगे। बहुत शुक्रिया। यकीनन जब हम ऐसा करेंगे तो फिर यकीनन हम उन लोगों को मस्जिद इख्तदार तक पहुंचाएंगे जो अल्लाह के इस दीन को नाफिज करने वाले होंगे, और अगर हमारी बात को तस्लीम ना किया गया, हमारे इस एहतजाज को यानी रिकॉर्ड के अंदर ना लाया गया, तो इंशाल्लाह फिर यही बात होगी कि हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे अंदर दम हम मौजूद हैं। अब जरूरत इस बात की है, और ये मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने कीमतों पर नजर सानी नहीं की तो इंशाल्लाह हम बिजली के बिल जमा नहीं कराएंगे, और अगर उन्होंने कोई हमारे ऊपर कोई कानूनी चाराजोई करने की कोशिश की, हमारे मीटर काटने की कोशिश की या हम पर पर्चा कराने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह हजीज हम यहाँ के ग्रेड स्टेशन का भी घेराव करेंगे, एक्सीएन ऑफिस का भी घेराव करेंगे, और उस वक्त तक हम ये घेराव जारी रखेंगे जब तक वो हमारे इस एहतजाज पर अमल करते हुए उन कीमतों को वापस नहीं लाते। बस इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा कि ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बस में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।